तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक ऐप पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो एक स्पॉइलर वीडियो है, तो अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो का प्रीव्यू है और मेन वीडियो चैनल पर 2 या 3 दिन में आएगी। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि लाइट कुछ सोच रहा होता है और तभी लाइट बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कोई गॉड किलर है भी या नहीं, पर मुझे ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई कि इनमें से एक मॉडल सेरेफिम का इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल इसकी सेरेफिम फॉर्म को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट नहीं है। मैं अपनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि लाइट की स्वॉर्ड की तरह उसकी बॉडी भी एकदम से ही वैनिश होने लग जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लाइट गोकू के सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंजर देता है। लाइट की बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी होने के बावजूद भी उसकी स्पीड और ताकत बहुत ज़्यादा होती है और इस पंच की वजह से हम देखते हैं कि गोकू के मुंह से खून भी निकल जाता है। लाइट के इस बहुत ही ज़बरदस्त पंच से हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाती है और गोकू खुद को रोक भी नहीं पा रहा होता। और गोकू को पंच मारने के बाद लाइट अपने मन में बोलता है कि हाँ मैं सही था, उसकी सेरेफिम फॉर्म कम्प्लीट नहीं है। वो अपनी उस सेरेफिम आई के बावजूद भी मेरी मूवमेंट्स को सही तरीके से नहीं देख पाया। गोकू लाइट के पंच को खाने के बाद ज़मीन पर जाके लैंड करता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही होती है। गोकू लाइट के पंच के बाद कुछ देर के लिए अपने सर को नीचे रखता है ताकि वो अपने होश को संभाल सके। गोकू ने लाइट के सामने अभी अपनी पूरी सेरेफिम फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। गोकू काफ़ी सालों से अल्ट्रा वेजिटो के साथ ट्रेन कर रहा था, तो पॉसिबल है कि गोकू अल्ट्रा वेजिटो के साथ लड़ने की वजह से काफ़ी सारा थका हुआ हो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न कर पा रहा हो। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने सर को उठाता है। गोकू अब बहुत ज़्यादा काम लग रहा होता है, वो अभी भी अपनी एक सेरेफिम आई का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू लाइट की तरफ देख के एकदम से कुछ सोचने लग जाता है। गोकू बोलता है कि जिस तरीके से उसने उस अटैक के फोर्स को मूव किया और जिस तरीके से वो एक्ट करता है, इस शख्स के बारे में कोई चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, कोई ऐसी चीज़ जो कि सही नहीं है। इसे देख के मुझे प्रीस्ट की याद आ रही है। गोकू उस समय को याद करने लग जाता है जब वो सबसे पहली बारी ग्रैंड प्रीस्ट से मिला था और उसे वो समय भी याद है जब वो वेजिटो के तौर पर ग्रैंड प्रीस्ट से मिला था। तभी हम देखते हैं कि गोकू एक असली सैयन की तरह हंसने लग जाता है और वो अपने चेहरे से खून को साफ करता है। गोकू लाइट की तरफ देखता है और फाइट के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है। गोकू बोलता है पर मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, ये मेंबर्स ऑफ द 5 में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं सच में जानना चाहूँगा कि इसकी असल कहानी क्या थी। इसे देख के मुझे एक सैयन की याद आ रही है। वेजिटो को सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब भी वो इससे फाइट करेगा। तब तक मुझे इस समय का उतना फ़ायदा उठाना चाहिए जितना मैं उठा सकता हूँ। इसके बाद हम फ्रीजा को देखते हैं। फ्रीजा उतना ज़्यादा खुश नहीं लग रहा होता जितना गोकू लग रहा होता है। फ्रीजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसका गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि वो कपकपाने लग जाता है। फ्रीजा बोलता है कैसे, आखिर ये बच्चा कहाँ से आ गया और इसने यहाँ पर आते ही मेरा बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। ये 5th हो या ना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यूनिवर्स के एम्परर से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं हो सकता। मैं लूसिफ का उत्तराधिकारी हूँ, मैं ऐसे खड़े नहीं रहूँगा और उस बंदर यानी कि सन गोगो को मुझे एक बार फिर से नहीं बचाने दूँगा, ये नेमक नहीं है। ये बोलते ही फ्रीजा एकदम से गुस्से में चिल्लाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करने लग जाता है। ट्रू डीमन फ्रीजा आखिरकार अपनी पूरी ताकत को रिलीज़ कर रहा है। पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आने के बाद पहली बार ऐसा लगता है कि फ्रीजा थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है। उसकी बॉडी के चारों तरफ डार्क इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। हम देखते हैं कि फ्रीजा के फायरी ऑरा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। फ्रीजा का ऑरा इतना बड़ा होता है कि फ्रीजा की बॉडी उसके अंदर दिख भी नहीं रही होती और ये चीज़ गोकू भी नीचे से नोटिस कर रहा था। और सच में फ्रीजा की ताकत को देख के गोकू भी थोड़ा बहुत हैरान लग रहा होता है। गोकू ने पिछले 10 सालों से फ्रीजा को नहीं देखा है और आखिरकार वो फ्रीजा की ताकत को महसूस करके हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है फ्रीजा सच में कमाल है, जिस समय मैं वेजिटो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था उस समय में तुम सच में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। जितना मुझे याद है फ्रीजा ट्रेनिंग करने के लिए ब्लैक के साथ गया था। अगर फ्रीजा इतना ताकतवर हो गया है तो मैं बस सोच ही सकता हूँ कि ब्लैक कितना ताकतवर हो गया होगा। और वैसे वो इस वक्त है कहाँ? ब्लैक के पास एक सुप्रीम काय होने की वजह से डिवाइन एनर्जी है प्लस गोकू का पोटेंशियल है। फ्रीजा और ब्लैक दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और ब्लैक के पास गोकू की बॉडी है, तो गोकू का सोचना भी गलत नहीं है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ब्लैक फ्रीजा के साथ ट्रेनिंग करके फ्रीजा जितना ही ताकतवर हो चुका हो या फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर। इसके तुरंत बाद हम लाइट को देखते हैं। लाइट शांति से खड़ा होता है
और उसने अपने हाथों को अपनी जेब में रखा हुआ था। लाइट शांति से फ्रीजा के पावर अप को देख रहा था और फ्रीजा के पावर अप की वजह से उसके व्हाइट बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। लाइट की ताकत का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि फ्रीजा के पावर अप की वजह से काफ़ी सारी धूल मिट्टी उसके चेहरे पर आ रही होती है, पर धूल मिट्टी पत्थर सब कुछ उसके चेहरे से टकराने के बावजूद भी वो अपनी पलक भी नहीं झपक रहा होता। लाइट सिर्फ अपने मन में सोचता है कि ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, एक आधा पका हुआ सेरेफिम और ये हो सकता है ये एक आधा पका हुआ डीमन हो। आखिरकार कुछ पल बीतने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा का पावर अप पूरा हो चुका होता है और अब वो बिल्कुल शांत होता है। फ्रीजा का चेहरा काफ़ी ज़्यादा काम लग रहा होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि फ्रीजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं समझ आ जाता है कि आखिर उसकी डीमन ताकतें किस लेवल तक पहुँच चुकी हैं। फ्रीजा की आंखें अब रेड रंग की होती हैं और उसके चेहरे पर स्माइल है। वो बोलता है, आखिरकार डीमन्स की ये रेड आंखें हम पहले भी एक बारी एक शख्स पे देख चुके हैं और वो शख्स था वेजिटो। फ्रीजा इसके बाद बोलता है कि अब मैं आखिरकार लूसिफ की ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा हूँ और इन ताकतों का इस्तेमाल करके मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। यानी कि लूसिफ की ताकतों के बारे में अल्ट्रा वेजिटो ने जो गोकू को बताया था वो बात फ्रीजा को भी पता है। गोकू जैसे ही नोटिस करता है कि फ्रीजा की आंखें अब लाल हो चुकी हैं एकदम से ही वो हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या फ्रीजा? गोकू हैरानी से बोलता है, वो आंखें लाल हैं बिल्कुल वेजिटो की तरह। वेजिटो ने कहा था कि अगर वो इन आंखों का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो लूसिफ का उसकी बॉडी पे कब्ज़ा धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। क्या फ्रीजा भी उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है? इसके बाद हम फिर से फ्रीजा को देखते हैं। फ्रीजा अपनी गर्दन को चटकाने लग जाता है। उसके चेहरे पे अभी भी बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और फ्रीजा अब अपनी लाल आंखों से फिफ्थ ऑफ द फाइव स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि लाइट की तरफ देख रहा होता है। फ्रीजा बोलता है कि मैं तुम्हें इंतज़ार करने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ लाइट, लगता है तुम भी इन्हीं बंदरों की तरह चैलेंज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और अब जब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ तो मुझे तुम्हें दिखाने में खुशी होगी और इस बारी हमेशा हमेशा के लिए कि मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। और जैसे जैसे फ्रीजा ये बोल रहा होता है तभी हम नोटिस करते हैं कि फ्रीजा की बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है। ऐसा लगता है कि फ्रीजा एकदम से ही टेलीपोर्ट करके लाइट के पास पहुंच गया। फ्रीजा एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच लाइट को मारने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि लाइट फ्रीजा के सरप्राइज अटैक से ना ही घबराता है और ना ही चौंकता है। लाइट बस अपने हाथ को आगे करता है और फ्रीजा के इस अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे अल्ट्रा वेजिटो के इस वीक के स्पॉयलर्स ख़त्म हो जाते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्पॉयलर्स आप लोगों को कैसे लगे। और दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।